खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आप बताइए, रोजगार मिले आपको? आपके खाते में 15 लाख रुपए डाले गए? अरे मौसमी मौसमी लाइव थोड़े यहाँ पे विकास किया गया यार। तो ये परिस्थिति कैसी हुई आएगी? आपने किसी को भारी बहुमत से जिताया, अपना पूरा समर्थन दिया और अपने भविष्य की पूरी जिम्मेदारी दी, लेकिन आपके साथ धोखा हुआ। ये कैसे आएगी परिस्थिति? आपके आशा थी और आशा थी कि जो सरकार आप लाएंगे वो दिल से आपके लिए काम करेंगे, लेकिन आपको मैं खास कहना चाहती हूँ कि ये सरकार भाजपा की सरकार एक जनता विरोधी सरकार है, एक किसान विरोधी सरकार है, नौजवानों के विरोधी सरकार है, क्योंकि ये सिर्फ काम से चूकना नहीं चाहती, काम करना नहीं चाहती, ये आपकी आवाज नहीं सुनना चाहिए, ये भी नहीं चाहती कि आप अपनी आवाज सुनाए, आप अपनी आवाज उठाए। जहां जहां मैं जाती हूँ, मैं नौजवानों से मिलती हूँ, चाहे छात्र हो चाहे बेरोजगार लड़के लड़कियां हो, मैं पहले ने मुझे कहा प्रदर्शन करने गए थे, हमें लाठियां मारी गई। अध्यापकों ने मुझे कहा कि जब वो प्रदर्शन करने गए तो उनके खिलाफ राष्ट्रता लगाया गया। ठीक है, किसानों ने मुझसे कहा कि आइए हमारा घर देखिए, हमारी स्थिति देखिए, देखिए कि पिछले 5 सालों में हम कर्ज में डूब रहे हैं, हमें बीज नहीं मिलता, खाद नहीं मिलती, हमारे नहीं कर रहा है और पूरी रात हम अपने खेतों में बैठते हैं क्योंकि हमारा पुष्प पशु हमारे खेत कर रहे हैं। महिलाओं से बात करती हूँ तो मुझे बताती है कि वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। गुरुकरों ने मुझे बताया कि 60% उद्योग बंद होने लगे हैं क्योंकि GST और नए नए कानूनों से वो इतने त्रस्त हो चुके हैं कि उनका उद्योग आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो जहां जहां देखो जनता पीड़ा में है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जनता की पीड़ा को सुनने वाला कोई नहीं है। मैं वाराणसी में गई, प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, जब मैं वहां गई मैंने पूछा विकास हुआ है भाई, वो झंडा खड़ा करके उसे हटा दो सर, उन्होंने कहा देखिए शहर से हवाई अड्डे तक ये सड़क बनी है, 90 किलोमीटर सड़क बताया गया, 15 किलोमीटर की सड़क है। झंडे मैंने पूछा ये सड़क सैंक्शन कब हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब सैंक्शन हुई थी 150 किलोमीटर। तो मैंने कहा 150 किलोमीटर सैंक्शन हुई और 15 किलोमीटर क्यों बने? तो हंसने लगे, अरे आप हवाई अड्डे से आगे जाएंगे तो गड्ढे मिलेंगे आपको, ये सिर्फ इसलिए बनाई गई ताकि दिखावा अच्छा हो कि यहाँ पे सड़क बनी है, वहां पे एक पुल बना था। मैंने पूछा ये पुल कब का है? उन्होंने कहा 75 साल पुराना है। मैंने कहा लेकिन लगता रहा है कि नया है? कहाँ दीदी, इसपे वो चाइना वाली लाइटें लगा दी है, दूर से इसकी फोटो खींचा, ऐसे लगता है कि नया है ताकि सब सोचे कि प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। फिर मैंने एक चीज पूछी, जिस सवाल का जवाब जब आया तो मुझे खुद ताज्जुब हुआ। मैंने पूछा प्रधानमंत्री जी गांव गए हैं, वाराणसी में गांव गांव घूमते हैं? तो जवाब आया कि नहीं जाते। जवाब आया कि 5 सालों में अपने ही क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी को समय नहीं मिला कि एक गांव में जाए, एक परिवार से गले लगाए, एक परिवार से अनुकूल का हाल पूछे। और मुझे खुद ताज्जुब हुआ क्योंकि इनका इतना जोरदार प्रचार है कि मैंने खुद सोचा कि कुछ ना कुछ तो करते होंगे।
लेकिन स्थिति यह है कि इतने बड़े देश में अपने ही क्षेत्र के अंदर उनके लिए समय नहीं मिला कि वो आपकी हालत पूछे, कि वो ये पूछे कि इस देश का गरीब किस हालत में रह रहा है, इस देश के किसान की क्या हालत है, इस देश की गरीब महिलाओं की क्या परिस्थिति है। उतना समय नहीं मिला, लेकिन देश भर घूम आए, अमरीका गए, जापान गए, चीन गए, अफ्रीका गए, नाम लीजिए वहां गए और वहां गले लगते हुए दिखे पूरी दुनिया में, लेकिन अपने लोगों से गले लगते हुए दिखे। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पता चलता है कि ये जो सरकार उन्होंने बनाई है, इस सरकार का दिल कहां है। इस सरकार का दिल उद्योगपतियों को अमीर बनाने में है, लेकिन गरीबों का उत्थान में नहीं है। आपने कांग्रेस की सरकार देखी, आपने कांग्रेस की सरकार देखी, कांग्रेस की सरकार ने आपको मनरेगा दिया। और ये भी मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ कि जब मनरेगा कांग्रेस की सरकार ने बनाया तो इसलिए इस मंशा से बनाया कि हर परिवार को 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए, इसीलिए मनरेगा बनाया गया। तो सबसे पहले तो जब ये सरकार में नहीं थे और विपक्ष में थे तो खूब जोरदार विरोध किया, कहा मनरेगा जैसी योजनाओं के लिए इस देश में पैसे नहीं है, नहीं होने चाहिए। फिर कांग्रेस ने मनरेगा बनाया, लोगों को अच्छी लगी ये योजना, आपको रोजगार मिले गाँव में, गाँव के जो कार्य थे आप द्वारा हुए। जब ये सरकार में आए तो इन्हें लगने लगा कि ये तो जनता को पसंद है ये योजना, लेकिन जनता को ये भी मालूम है कि ये कांग्रेस की योजना थी, तो हम ऊपर से प्रचार करते हैं कि हम इस योजना में और पैसे डाल रहे हैं। तो योजना के लिए उन्होंने पैसे देने का प्रचार किया, लेकिन असलियत क्या है, असलियत आप जानते हैं मेरी से अच्छी तरह कि आज मनरेगा में जो रोजगार करता है उसे 6-6 महीनों के लिए तो पैसे नहीं मिलते, 6-6 महीनों के लिए। और ये गलती से नहीं हो रहा है, ये जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि मनरेगा को बंद करना चाहते हैं, ऊपर से अच्छा अच्छा प्रचार, अंदर से बंद करना चाहते हैं। मनरेगा के भी प्रोजेक्ट ज्यादातर ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं और ठेकेदार मशीनों से करवा रहे हैं। ये ऐसी सरकार है जो आपका रोजगार छीनती है, ये ऐसी सरकार है जो आज कहती है कि कांग्रेस के लिए जो न्याय की योजना बनाई है, आपने सुना होगा कांग्रेस ने घोषणा की है कि अगर सरकार में आएगी तो 72,000 रुपए कम से कम हर गरीब परिवार को मिलने चाहिए। तो इस योजना द्वारा इस योजना द्वारा कांग्रेस ने यह ऐलान किया है कि किसी भी गरीब परिवार को 72,000 रुपए से कम पैसे नहीं मिलने चाहिए एक साल में। इसका मतलब है कि अगर एक परिवार का वेतन मान लो 4,000 रुपए है तो उसको 6,000 रुपए तक बनाने का काम सरकार का काम है, मतलब उस परिवार को का वेतन 6,000 तक करने का काम सरकार करेगी, वो भरपाई सरकार करेगी, ताकि हर साल कम से कम 72,000 रुपए हर एक परिवार को मिले। और ये भी सुन लीजिए कि जब ये घोषणा हुई तो भाजपा की सरकार ने क्या कहा कि ये सब चुनावी जुमले हैं, देश में अकेले पैसा नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए, जब उद्योगपतियों के ऋण माफ करने थे तो इसी सरकार को 317,000 करोड़ रुपए मिल गए, तब 317,000 करोड़ रुपए थे उद्योगपतियों के ऋण माफ करने के लिए। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार कहती है कि किसानों के लिए माफ करेंगे तो
कहते हैं कि पैसे नहीं है, और जब कांग्रेस कहती है कि हमें घोषणा की है कि सरकार बनेगी तो हम 72,000 रुपया हर गरीब परिवार को देंगे, तो ये कहते हैं कि पैसे नहीं है। तो आप ही सोचिए कैसी सरकार को सत्ता दिया है आपने, आप ही सोचिए कि आपने किसमें विश्वास किया, और आप ही सोचिए दोबारा इन्हें विश्वास करना चाहिए कि नहीं। वही लोग जिन्होंने आपसे कहा कि 15 लाख रुपए आपके खातों में डालेंगे, और चुनाव होते ही, चुनाव खत्म होते ही उन्हीं के राष्ट्र अध्यक्ष ने यह कहा कि वो तो जुमला था, वो तो चुनाव के लिए जुमला था। तो आप अच्छी तरह से सोचिए, इन्होंने लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए, संविधान को नष्ट करने के लिए और संस्थाओं को नष्ट करने के लिए पूरी योजना बनाई है। कोई ऐसी संस्था नहीं छोड़ी उन्होंने, और संविधान और लोकतंत्र किसको मजबूत बनाता है? संविधान और लोकतंत्र आपको मजबूत बनाता है। ये आपको मजबूत करना नहीं चाहते, ये खुद मजबूत होना चाहते हैं। ये आपके हाथों में सत्ता कभी नहीं छोड़ेंगे, ये अपने हाथों में सत्ता चाहते हैं, और इसलिए चाहते हैं क्योंकि काम नहीं करते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि बहुत शक्ति है इनमें, लेकिन मैं समझती हूँ कि इससे दुर्बल सरकार कभी हुई नहीं इस देश में, क्योंकि राजनीतिक शक्ति सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति होती है कि अपनी जनता तक की आवाज सुनने की शक्ति, ये सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति है। और उस आवाज से अगर अपनी आलोचना हो, उस आवाज से अगर ये कहा जाए कि तुम गलत कर रहे हो, कि तुमने मेरा विकास नहीं किया, कि तुमने मेरी सड़क नहीं बनाई, कि तुमने मुझे वेतन नहीं दिलवाया, तो वो आवाज सुनने की शक्ति हर नेता में होनी चाहिए। नहीं तो उस नेता में शक्ति नहीं है, दुर्बलता है, वो सबल नहीं है, दुर्बल है। और इस सरकार में वो हिम्मत नहीं है कि आपकी आवाज सुने। वो गांव गांव इसलिए नहीं जाते क्योंकि गांव गांव में सच्चाई सुनाई देगी, गांव गांव में सत्य दिखाई देगा, क्योंकि ये देश सत्य के आधार पर बना। जिस आंदोलन में जो स्वतंत्रता सेनानी यहाँ, जिनकी यहाँ समाधि है, कौन सा आंदोलन था वो? वो एक ऐसा आंदोलन था जो कभी पहले दुनिया में नहीं हुआ था। वो सत्य प्रेम और अहिंसा पर आधारित था। उसके बाद दुनिया भर के देशों ने देखा, मिसाल लिया उसका, अफ्रीका में भी उसी के मिसाल पर दूसरे देशों को भी स्वतंत्रता मिली। सत्य पर आधारित था वो आंदोलन। इस देश में सत्य छुपा नहीं सकता कोई भी, सत्य को कोई दबा नहीं सकता, सत्य को कोई खत्म नहीं कर सकता। मैंने सत्य देखा है, मैं एक हफ्ते से सिर्फ तोड़ा किया है मैंने, और एक हफ्ते में मैंने सत्य देखा है। मैंने सत्य उस बुनकर के घर में देखा है जिसके 56 जैसे पानी आ रहा है, जो मुझे कहता है कि 5 सालों में मैं तबाह हो गया हूँ। मैंने सत्य उस किसानों की आंखों में देखा है जिसने मुझे कहा किसानों का कोई चौकीदार नहीं होता, चौकीदार अमीर का होता है। उस किसानों की आंखों में देखा है मैंने, उस आलू के किसान की आंखों में देखा जिसने मुझे कहा कि आज मेरा बीज मेरी उपज से ज्यादा बांधता है। तो मैंने सत्य देखा है। उस मल्हा के घर की आंखों में मैंने देखा जिसने मुझे बताया कि हमारे 10,000 हमारे परिवारों का पत्ता लिया गया है यहाँ से, हमारा एक बालू खंडन में अधिकार था, आज वो भी अधिकार नहीं छोड़ा। तो ये सत्य सब जगह है, कोई छुपा नहीं सकता। इनके असत्य से, इनके झूठे प्रचार से कुछ नहीं छिपेगा, क्योंकि ये सत्य आप जी रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि जो विकास का वचन आपको दिया था वो वचन नाकाम हुआ और ये सरकार नाकाम हुई। तो ये राजनीति जो आपको दुर्बल बनाती है, जो अपने आप को
अपने हाथों में सत्ता रखती है, जो आपको सत्ता नहीं देना चाहती, उसका क्या करना चाहिए आप बताइए, बताइए। ऐसी राजनीति जो आपको नकारे, उसका क्या होना चाहिए? तो लोकतंत्र और संविधान जिसकी मैंने बात की, वो किस लिए बनाए गए? आपको मजबूत करने के लिए। और सबसे बड़ा हथियार इसमें क्या है? आपका वोट है। तो जब आप वोट करने जाएंगे तो आप सोच समझ के करिए। आप एक ऐसी राजनीति को जब बढ़ावा देंगे जो सिर्फ झूठ बोलेगी, जो आपके सामने आकर नए नए प्रचार करेगी लेकिन आपका काम नहीं करेगी, तो आप नुकसान अपना कर रहे हैं। क्योंकि जब जनता के सामने नेता आए, उसको थोड़ी सी घबराहट होनी चाहिए, उसको थोड़ी सी घबराहट होनी चाहिए, उसको यह एहसास होना चाहिए कि मुझे जनता ने बनाया है। अगर मैंने काम नहीं किया, अगर मैंने जनता को आगे नहीं बढ़ाया, तो मेरा नुकसान होगा। लेकिन मेरी आपसे शिकायत है कि आप ये बात भूल गए। आप नेताओं को बहुत बड़ा दर्जा दे रहे हैं। अरे वो झंडा दे, झंडा आप भूल गए हो कि सत्ता आपके हाथों में है, कि जितने भी हम नेता आपके सामने खड़े हैं, जितने भी ये नेता नहीं बन गए अगर आपने मजबूत नहीं बनाया। इसकी हिम्मत नहीं होती कि आपके संविधान के तरह तरह प्रचार करते अगर आपने मजबूती नहीं दी होती, तो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, समय आ गया है अपनी शक्ति को पहचानिए। आपका देश है, किसी और का नहीं है, आपका देश है, आपके खून पसीनों से बना है। किसानों ने ये देश बनाया है, जवानों ने ये देश बनाया है, आपने बनाया है। आप मन बनाइए कि उसको वोट देंगे जो आपके लिए कार्य करेगा। आप मन बनाइए कि एक ऐसी सरकार लाएंगे जो आपका विकास करेगी, एक ऐसी सरकार जिसमें आपकी सुनवाई हो, जिसमें आपकी आवाज दबाई न जाए, जिसमें कोई किसी को समझे नहीं, कोई अपना धर्म समझे कि आपके घर घर में आए, आपकी समस्याओं को समझे, आपकी समस्याओं का समाधान करे। यही बातें करनी थी आपसे, यही कहना था कि एक बहुत बड़ा चुनाव है, देश को बचाने वाला चुनाव है, संविधान को बचाने वाला चुनाव है। इस पे सोच समझ के अपना वोट दीजिए। आप निर्मल जी को अच्छी तरह जानते हैं। निर्मल जी अपने नाम से तरह निर्मल स्वभाव के हैं। उन्होंने हमेशा आपके क्षेत्र के लिए काम किया है और ये उस राजनीति के प्रतीक है जो सच्ची राजनीति है। इनका धर्म आपकी सेवा है। ये भी संघर्ष करते हैं लेकिन आपके लिए संघर्ष करते हैं, अपने लिए संघर्ष नहीं करते। ये आपके लिए समर्पित है, खुद के लिए समर्पित नहीं है। तो आपके सामने जब ऐसे प्रत्याशी हैं और आपके सामने ये चुनाव आ रहा है, तो मेरी पूरी आशा है कि आप उनको आगे बढ़ाएंगे, आप इनमें विश्वास रखेंगे और आपके क्षेत्र का आपका विकास होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।